सनसनी ऑफ इंडिया। बेरोजगार तीन युवाओं ने अपनी नशे की लत और शार्क टाइम में अमीर बनने के चक्कर में घरों के बाहर और सड़क किनारे खड़ी कारों में से ईसीएम चोरी करना शुरू कर दिया, लेकिन अमीर बनने से पहले ही पुलिस ने इन्हें धर दबोचा। थाना हजरत निजामुद्दीन की टीम ने ईसीएम चोर गैंग का भंडाफोड़ करते हुए तीन चोरों शिवम, राज तोमर और दीपक को गिरफ्तार किया है। इनकी गिरफ्तारी के साथ इनके कब्जे से एक कार, 12 ईसीएम, एक मोटरसाइकिल, तीन जोड़ी जाली नंबर प्लेट और एक अत्याधुनिक टूल बॉक्स बरामद किया है। इनकी गिरफ्तारी से चोरी के सात मामले भी सुलझ गए हैं। थाना हजरत निजामुद्दीन इलाके में चोरों ने घरों के बाहर पार्क कारों में से ईसीएम चोरी करके इलाके में आतंक मचा रखा था। दक्षिण पूर्व जिला डीसीपी ऐशा पांडेय ने ईसीएम चोर को ट्रैक करने और जल्द से जल्द पकड़ने के लिए हजरत निजामुद्दीन थाना प्रभारी किशोर कुमार की सुपरविजन व जंगपुरा पुलिस पोस्ट इंचार्ज एसआई अमित कुमार के नेतृत्व में एएसआई देवेंद्र, हेड कांस्टेबल छतरपाल, नीरज, कांस्टेबल जगबीर, पवन, रविंदर और कर्ण की एक टीम बनाई। टीम ने सबसे पहले हजरत निजामुद्दीन थाना इलाके में आने और जाने वाले रास्तों पर लगे कैमरों के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला। दर्जनों सीसीटीवी कैमरों को खंगालने पर पुलिस टीम को एक लाल रंग की सस्पेक्ट कार दिखाई दी। सस्पेक्ट लाल रंग की कार का रूट ट्रैक किया तो पता चला कि आरोपी व्यक्ति इसी लाल रंग की कार में नकली नंबर प्लेट लगाकर घरों के बाहर और सड़क किनारे खड़ी कारों से ईसीएम चोरी करने के लिए आते थे। टीम ने मुखबिरों का जाल बिछाया। इलाके में पेट्रोलिंग बढ़ाई गई। कुछ पुलिस वालों को सादी वर्दी में तैनात किया गया। आखिरकार पुलिस टीम की मेहनत रंग लाई। इलाके में गश्त कर रही टीम ने देखा कि तड़के एक लाल रंग की सस्पेक्ट कार जंगपुरा की ओर से आ रही थी। शक होने पर पुलिस टीम ने कार रोकने का इशारा किया, लेकिन कार चालक ने रफ्तार तेज कर भागने की कोशिश की। काफी प्रयासों के बाद पुलिस कर्मियों ने कार को रोका और उनमें से एक को दबोच लिया, लेकिन उसके दो साथी मौके से भागने में सफल रहे। कार की तलाशी में कंटेनिंग स्क्रू ड्राइवर्स और सोफिस्टिकेटेड टूल्स मिले। गिरफ्तार आरोपी की पहचान उत्तम नगर निवासी 22 वर्षीय दीपक कुमार पुत्र मुकेश कुमार के रूप में हुई। पूछताछ के दौरान आरोपी दीपक कुमार ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने खुलासा किया कि उसका सहयोगी शिवम गैंग का लीडर है। आरोपी दीपक कुमार की निशानदेही पर दिल्ली और यूपी में छापेमारी करके गैंग लीडर शिवम और राज तोमर को भी दबोच लिया। जांच के दौरान गैंग लीडर आरोपी शिवम के खाते से 74,000 रुपए सीज किए गए। इसके अलावा उनके कब्जे से एक किराए की कार, 12 ईसीएम, इंजन नियंत्रण मॉड्यूल, अपराध में इस्तेमाल एक मोटरसाइकिल, तीन जोड़ी जाली नंबर प्लेट और स्क्रू ड्राइवर व कटर आदि का एक टूल बॉक्स बरामद किया गया है। अन्य बरामद वस्तुओं को जोड़ने के लिए मामले की आगे की जांच जारी है। आरोपियों ने बताया कि वो सभी बेरोजगार है, नशे की लत और शार्ट टाइम में अमीर बनने के चक्कर में गैंग बनाकर घरों के बाहर और सड़क किनारे खड़ी कारों में से ईसीएम चोरी करना शुरू कर दिया। गैंग लीडर आरोपी शिवम हैबिचुअली क्रिमिनल है, जो पहले से ही ऐसे कई आपराधिक मामलों में शामिल रहा है। शॉर्ट टाइम में अमीर बनने का सपना दिखाकर शिवम ने राज और दीपक को अपनी गैंग में शामिल किया। आरोपियों ने बताया कि चोरी करने के लिए सभी पहले अपने अपने घरों से मोटरसाइकिल पर राजौरी गार्डन में एक जगह जमा होते। वहां मोटरसाइकिल खड़ा करके नकली नंबर प्लेट वाली कार किराए पर लेते थे और चोरी करने के इरादे से इलाके में आते। फरुखाबाद यूपी निवासी आरोपी शिवम पुत्र मनोज ने 8वीं तक पढ़ाई की है। यह गैंग चलाता था। इसकी क्राइम हिस्ट्री काफी लंबी है। यह ईसीएम चोरी की 29 वारदातों को अंजाम दे चुका है। विकास नगर दिल्ली निवासी 23 वर्षीय आरोपी राज तोमर पुत्र सुल्तान सिंह ने 12वीं तक पाई की है। उत्तम नगर निवासी 22 वर्षीय आरोपी दीपक पुत्र मुकेश निवासी ने स्नातक की पढ़ाई की है। तीनों बेरोजगार है और आजीविका कमाने के लिए इनके पास करने के लिए कुछ नहीं है। आरोपी राज तोमर और दीपक के खिलाफ पिछली कोई क्राइम हिस्ट्री नहीं है। इनकी गिरफ्तारी से थाना हजरत निजामुद्दीन के 5, लाजपत नगर थाना और सनलाइट कॉलोनी थाना में दर्ज एक एक मामले सुलझ गए हैं। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। अपने आसपास होने वाले क्राइम से सजग रहने और क्राइम वीडियो देखने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए, ताकि हर क्राइम से आप रहें जागरूक।